वहीं कोटा में दूसरी अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती दंगल का आगाज किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन बूंदी रोड स्थित गुरुद्वारा अगमगढ़ साहिब में हुआ, जिसमें देशभर से आए पहलवानों ने अपने अपने दांव पेश लड़ाए। उद्घाटन समारोह में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि रहे। काफी संख्या में आसपास के लोग भी इस कुश्ती के दंगल को देखने के लिए उमड़े। तो अलग अलग जगहों से आए पहलवानों के बीच में कई मुकाबले खेले गए। करवा रहे हैं और हम आगे भी आशा करते हैं कि अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा तो एक दिन राजस्थान के बच्चे एशिया और ओलंपिक में नजर आएंगे, क्योंकि प्रतियोगिता होती है तो पहलवानों को उत्साह मिलता है और पेरेंट्स को शिक्षा मिलती है कि हम भी हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें और वहां पर खेलाएं। और इस प्रतियोगिता का मैसेज आज पूरे हिंदुस्तान और पूरे उसमें है, जो अंडर 15 बच्चे होते हैं ये बच्चे आगे चल के 2024-2028 के अंदर हमें ओलंपिक एशियाड में और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर नजर आएंगे। ये हमारे लिए बड़े प्रसन्नता की बात है और कोटा के लिए भी प्रसन्नता की बात है कि जैसे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुश्ती का हब बन चुका है ये कोटा, और स्थानीय जनता का इसमें बड़ा सहयोग रहता है। और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये छोटे बच्चे जो कि 15 साल के कम उम्र के हैं, बच्चों की नेशनल प्रतियोगिता पहली बार कोटा में हो रही है, वैसे ये प्रतियोगिता दूसरी बार केवल हो रही है। पहले 15 साल के बच्चों के अलग से कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी, लेकिन मैंने महसूस किया क्योंकि इनकी इंटरनेशनल प्रतियोगिता होती है। पहले हम कैडेट से बच्चों को छाट करके भेज देते थे, लेकिन मैंने महसूस किया कि नहीं, इनकी प्रतियोगिता होनी चाहिए। और आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर व्यवस्था दी गई है, विशेष करके गुरुद्वारा की तरफ से और कोचिंग के लोगों की तरफ से बड़ा सहयोग मिला है, मीडिया का भी सहयोग मिला है।